प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये रू प्रिंसिपल कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम यानी हमारे पास अगर एक रिलेशन है और उसमें जो जो टर्म्स हैं तो उनके डायमेंशन एक जैसे होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी अब इस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं एक टर्म हमारे पास फाइनल वेलासिटी दूसरा टर्म इनिशियल वेलासिटी और तीसरा टर्म प्रोडक्ट ऑफ टाइम तो ये तीन टर्म है तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स हैं उसका डायमेंशन और राइट हैंड साइड जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन को एक जैसा होना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो अब इसको देखते हैं कि वाकि ये एक जैसे होंगे या नहीं तो हम वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल पावर टी पावर माइनस वन तो ये हुआ वेलोसिटी का डायमेंशन तो इधर हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखते हैं वी एफ वो हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन इज इकल टू अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो वो भी वेलोसिटी ही है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन उसके बाद फिर ए टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन इन टाइम तो एक्सलरेशन इजल टू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम या चेंज इन टाइम अब यहां पे वेलोसिटी का जो डायमेंशन है तो वो क्या था एल t पावर माइनस वन और डिवाइडेड बाय जो टाइम है तो उसका डायमेंशन है t t ऊपर जाके हमें मिल जाएगा l t पावर ऊपर माइनस वन था ये t ऊपर चला तो माइनस टू हो जाएगा एड हो जाएंगे तो ये हुआ इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन l पावर t माइनस वन तो l इंटू टी पावर माइनस टू ये हुआ एक्सेलरेशन का डायमेंशन और t का डायमेंशन t तो अब ए टी का फुल डायमेंशन हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए l इंटू टी पावर माइनस टू और टाइम के लिए टी है टी अब टी और टी पावर माइनस टू ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एल इंटू टी पावर माइनस वन तो इस तरह से ये ए टी इसका जो डायमेंशन आया तो वो भी आया एल इंटू टी पावर माइनस वन सो इक्वेशन के जो भी टर्म्स हैं तीनों टर्म्स हैं सबका डायमेंशन जो है हमें एक जैसा मिल रहा है दैट इज एल टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस वन एंड एल टी पावर माइनस वन एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इक्वेशन इज अब इसमें अगर हम देखें तो वी आर गेटिंग एस टर्म ऑन राइट हैंड साइड वी आई टी सॉरी एस ऑन लेफ्ट लेफ्टी आई टी ऑन राइट हैंड साइड एंड वन ओवर टू ए टी स्क् राइट हैंड साइड अब देखते हैं कि इनके जो डायमेंशन है वो एक जैसे आते हैं कि नहीं तो अब डायमेंशन इनके लिए लिखते हैं एस ये डिस्टेंस है और इसके लिए डायमेंशन है एल वी और आई टी वी आई टी वी इज वेलोसिटी और वेलोसिटी है डिस्टेंस पर टाइम ये हुआ इसका डायमेंशन स्क्वेयर ब्रैकेट में इनको लिखना और साथ में फिर टाइम है तो ये हुआ टाइम का डायमेंशन टी जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा या आप यहाँ से यू कर सकते हो कि यू कैन से ये टी इस टी के साथ कैंसिल हुआ तो वी आई टी का जो फाइनल डायमेंशन है वो रह गया है एल वन ओवर टू ए टी स्क्र नाव टर्म वन ओवर टू ए टी स्क्र अब इसका डायमेंशन वन ओवर टू एक नंबर है यह डायमेंशन लेस है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्र तो मीटर के लिए एल लग जाएगा और सेकेंड स्क्र के लिए टी स्क्र इन टू टी स्क्र तो उसके लिए अलग से टी स्क्र यहाँ पर अब टी स्क्र टी स्क्र के साथ कैंसल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा इसका डायमेंशन एल तो सारे टर्म्स के डायमेंशन हमने डिराइव कर दिए हैं अब यहां का डायमेंशन है एल वी आई टी टर्म्स का डायमेंशन है एल और वन और टू एक्वेर का डायमेंशन भी L आ रहा है सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एक रिलेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशन एक जैसे होने चाहिए नेक्स्ट एक इक्वेशन प्रैक्टिस करते हैं एफ इक्वल्स एम ए अब इसमें देखते हैं कि दोनों जो टर्म्स हैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आया उनके डायमेंशन सेम आते हैं कि सेम नहीं आ रहे अगर डायमेंशन सेम नहीं आ रहे तो मीनस के इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है और अगर डायमेंशन सेम आ रहे हैं सो इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो इस वजह से इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगा अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स है तो फोर्स के लिए जो है दैट इज न्यूटन न्यूटन और न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब इसका जो डायमेंशन है वो बन जाएगा किलोग्राम के लिए हम लिख देंगे एम उसके बाद मीटर उसके लिए लग जाएगा एल और एस टाइम ऊपर चल के हो जाएगा टी पावर माइनस टू तो ये हुआ डायमेंशन फॉर फोर्स नेक्स्ट जो है वो मास मास का डायमेंशन हम एम ही लिखेंगे नेक्स्ट इज़ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड स्क्वेयर टी पावर माइनस टू तो ये हुआ एक्सलरेशन का डायमेंशन अब इन दोनों को यहाँ इक्वेशन में ले आते हैं तो इक्वेशन में लाने में फोर्स का डायमेंशन बनता है एम एल टी पावर माइनस टू इज इक्वल टू मास का डायमेंशन है एम और एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी पावर माइनस टू इक्वेट करते हैं तो फोर्स एम एल टी यानी लेफ्ट हैंड साइड एम एल टी पावर माइनस टू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें एम एल टी पावर माइनस टू तो इस तरह से होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ये इक्वेशन ओबे हो रहा है सो इट इज़ करेक्ट